हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर वन प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन ऐप पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की भौतिक विज्ञान, जिसका चैप्टर नंबर एक है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यह जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, यह हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्थिर वैद्युतकी के अंतर्गत। स्थिर वैद्युतकी में हम केवल दो चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। पहला जो चैप्टर है वो है अपना विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और जो दूसरा चैप्टर है वो है विद्युत विभव तथा धारिता। इन दोनों चैप्टर्स को हम लाइन टू लाइन बिल्कुल बारीकी से डीपली से डिस्कस करेंगे। जितने भी डेरिवेशंस हैं उनको भी ढंग से, बिल्कुल जैसा हमें बोर्ड में करना होता है उसी तरह से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोगों को हमारे साथ लास्ट तक, एंड तक बने रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आसरा वीडियो देखा और कुछ समझ में आया नहीं आया और हटा दिया। देखो बच्चों, कुछ भी चीज़ को समझना होता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें उस चीज़ को बारीकी से पढ़ना है और लास्ट तक पढ़ना है। तो जैसे मैं यहाँ पे दो तीन लाइन लिखूंगा, समझ में नहीं आया तो आपने स्किप कर दिया, तो समझना कि आपको कभी समझ में आएगा भी नहीं। समझने का सबसे बढ़िया तरीका है स्टार्टिंग से, हमें शुरू से पढ़ना है और लास्ट एंड तक पूरा ढंग से फोकस होकर पढ़ना होता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्थिर वैद्युत की होती क्या है। क्लियर है? चलो देखो, स्थिर में है ना, हमें दो वर्ड नजर आ रहे होंगे, एक तो है स्थिर और दूसरा है वैद्युत की। स्थिर का मतलब हो गया विराम, स्थिर का मतलब बच्चों हम क्या बोलते हैं, विराम। और वैद्युत की का मतलब, जहां से हम वैद्युत की वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब सर आप आवेश से संबंधित कोई बात कर रहे हो। आवेश से संबंधित हम कोई बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं सर हम वैद्युत की बात कर रहे हैं। तो बिना आवेश के विद्युत संभव नहीं है। चलो, इसका मतलब स्थिर वैद्युत क्या है, एक भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हमें क्या करना है, विराम अवस्था में लेना है किसको, आवेश को। आवेश स्थिर अवस्था में होना चाहिए। तो वह स्थिर आवेश कौन कौन से गुणधर्म उत्पन्न करता है, उसके गुणधर्म क्या है, उन सब का अध्ययन जिस भौतिक विज्ञान के शाखा के अंदर किया जाता है उसे हम स्थिर वैद्युत कहते हैं। दूसरी बात, दो स्थिर आवेशों के मध्य क्या क्या अन्योन्य क्रियाएं होती है, वह एक दूसरे के ऊपर क्या क्या क्रियाएं करते हैं, जैसे विद्युत बल हो गया। और गुणधर्म की बात करें तो सर प्रत्येक स्थिर आवेश के साथ तो एक विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत विभव होता है। उन सभी का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत की। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर आवेशों के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। साथ में हम ये भी ले सकते हैं क्या, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो सर, हमें स्थिर विद्युत समझ में आ गई। ये याद भी नहीं तो आप तो खाली वर्ड को याद रखो। फिजिक्स में है 90% जो वर्ड्स है ना उन्हीं में डेफिनेशन छुपी होती है। स्थिर वैद्युत की सर, स्थिर का मतलब आवेश स्थिर अवस्था में होना चाहिए और वैद्युत की का मतलब हमें समझ में आएगा कि सर आप किसकी बात कर रहे हो, आवेश की बात कर रहे हो। तो स्थिर आवेशों के कारण होने वाले जितने भी गुणधर्म उत्पन्न हो रहे हैं स्थिर आवेश के कारण, उनका अध्ययन, और दो स्थिर आवेशों के, दो तीन चार जितने भी स्थिर आवेश हैं उनके मध्य क्या क्या अन्योन्य क्रियाएं हो रही है, उन सब का अध्ययन स्थिर वैद्युत के में किया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर है? चलो, दूसरा जो अपना पॉइंट है वो है अपना दूसरा पॉइंट, आवेश की उत्पत्ति। सर अब हम बात कर लेते हैं कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो आवेश की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको एक परमाणु के बारे में समझना पड़ेगा। सर परमाणु में क्या क्या होता है, एक परमाणु में उसके सबसे आंतरिक भाग में एक छोटा सा धनावेशित भाग होता है जिसे हम कहते हैं नाभिक। तो मैंने कहा कि सोडियम परमाणु है, इसके अंदर आपको एक ये बीच वाला पोर्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे ये नाभिक है, सोडियम का नाभिक। और इस नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या होती है बच्चों, कुछ निश्चित कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।
सर एक सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो बच्चों, अभी मैंने कहा कि अभी इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, अभी इसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो हैं हमारे कितने, 11 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 है इसके अंदर। तो अभी ये हमारा जो सोडियम परमाणु है ना, ये विद्युतदासीन है। विद्युतदासीन का मतलब जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, और प्रोटॉन को हम लेके चलते हैं धनावेशित और इलेक्ट्रॉन को लेके चलते हैं ऋणावेशित। जितना प्रोटॉन पर आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है, लेकिन फर्क क्या है, सर प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। अब यहां भी सोडियम में जब 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में उपस्थित होते हैं, और वो भी प्रबल नाभिक के बल से। ये जो आपको बीच वाला भाग दिख रहा है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो कि प्रबल नाभिक के बल से बंधे हैं, उनको हम आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन एक परमाणु में क्या होता है, अलग अलग कक्षाएं होती है, जो सबसे बाहर वाली कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ में दुर्बल बल से बंधा होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम आगे डिस्कस करेंगे, अलग अलग आवेश जो होते हैं, विपरीत प्रकृति के जो आवेश है, धनावेशित और ऋणावेशित, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान प्रकृति के जो आवेश है, धनावेशित धनावेशित और ऋणावेशित ऋणावेशित, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन है, तो सिंपल सी बात है कि सर इस पे पूरी नाभिक पे क्या है, धनावेश है। न्यूट्रॉन तो हमेशा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, तो न्यूट्रॉन को हम छोड़ देते हैं अभी। अब हम बात करें सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल लग रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगा पा रहे हैं। तो जैसे आप कक्षाओं से बाहर जाओगे, सबसे लास्ट वाली जो कक्षा रहेगी, सबसे लास्ट वाली जो अंतिम जो कक्षा रहेगी, बाह्यतम कक्षा जो रहेगी, उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला गया, और दूर चला गया तो उस पर आकर्षण बल भी क्या हो गया, कम हो गया, तो हम उसे इतनी ऊर्जा दे देंगे कि वो उस परमाणु से बाहर आ जाएगा। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, इस सोडियम परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, सर इसने ग्रहण क्यों नहीं किया। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इस धरती पर या इस पृथ्वी पर जितने भी तत्व है वो सब अपना स्थायित्व चाहते हैं, और स्थायित्व के लिए आपने देखा होगा केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेज आती है, अक्रिय गैसें आती है, जिनका अष्टक पूर्ण होता है, और जिन परमाणु या तत्वों में अष्टक पूर्ण होता है ना, वो पूरी तरह से क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, किसी दूसरे तत्वों से क्रिया नहीं करते। तो यहां सोडियम ने वैसे क्या, नियोन का अष्टक प्राप्त कर लिया, नियोन की तरह विन्यास प्राप्त कर लिया, 10वें नंबर पर नियोन आता है। अगर यह सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो बताओ ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो नियोन के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सर नियोन में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सोडियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। कब होने वाले हैं, जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इस पर हम लिख लेते हैं Na+। इसका मतलब क्या है, सर पहले 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल आवेश 0 है। देखो जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश। लेकिन यहां क्या हुआ बच्चों, सर प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10 ही रह गए। कमी किसकी आई, सर कमी एक इलेक्ट्रॉन की आई, या दूसरी तरह बोले तो हम इलेक्ट्रॉन की तुलना में किसकी अधिकता हुई, सर प्रोटॉन की कितनी हुई, एक अधिक हुई। तो एक के लिए हम जनरली काम लेते हैं कि सर हाँ प्लस ई, आगे भी सीखेंगे प्लस ई माइनस ई क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको हम ई से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे आवेश बराबर होता है। तो सर एक इलेक्ट्रॉन की कमी के बराबर आवेश, या एक प्रोटॉन की अधिकता के बराबर आवेश इस सोडियम पे आ गया, तो सोडियम में मैंने क्या लिख दिया, Na+। इसी तरह से अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणावेश हो जाता है। तो यहाँ उत्पत्ति में सीधा क्या बोला अपन ने, सर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता, किसी भी वस्तु पर आवेश का मेन कारण क्या है, सर किसी भी वस्तु पर आवेश का जो मेन कारण है वो क्या है, तो मैं यहां लिख देता हूं, आवेश की उत्पत्ति का मेन कारण क्या है, आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या है, उस तत्व बोल दो या पदार्थ बोल दो या कण बोल दो, उस तत्व या पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होना, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होना, बस यही आपको पॉइंट ध्यान रखना सर, यही आवेश की उत्पत्ति का कारण है।
जिसको देखो डायग्राम में दिखा रखा है, सोडियम में पहले 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल ओवरऑल आवेश कितना था? जीरो था। लेकिन जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। तो अगर हम देखें तो एक प्लस ओवरऑल चार्ज, एक का मतलब यह है कि एक एक्स्ट्रा है प्रोटोन, 10 प्रोटोन 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, बचा क्या? एक एक्स्ट्रा प्रोटोन बचा है, इसलिए हमने इस पर बोल दिया कि इस पर क्या है? धनावेश है। तो जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वह धनावेश हो जाती है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है तो वह ऋणावेश हो जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो ऋणावेश बढ़ेगा, तो हम बोलेंगे ऋणावेश हो जाएगी। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन कमी आएगी तो उसको हम बोलेंगे कि वस्तु धनावेश हो गई। क्लियर यहाँ तक दो पॉइंट सर? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, हमें आराम समझ में आ गया। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो ऋणावेश हो जाती है, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो धनावेश हो जाती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आवेश की परिभाषा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है सर, आवेश की परिभाषा। मैंने कहा वस्तु पे आवेश आ गया है, कैसे आ गया है? या तो उस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे या उस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे। चलो भाई, जब वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्याग लिया, ग्रहण कर लिया, वो तो उस वस्तु की या उस पदार्थ की क्या है? विशेषता है, जो ऐसा काम कर रहा है। और कोई वस्तु ऐसे तो है नहीं कि भाई सर चलते फिरते आवेश कहीं से पे आ गया, उस वस्तु का गुण है तब उसने ऐसा किया कि या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। तो सर अगर किसी वस्तु पे आवेश आ गया तो अब हम आवेश को डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे? मैंने कहा मेरे पास में ये डिजिटल पेन है, इस पर आवेश है। इस पर क्या है बच्चों? आवेश है। तो आवेश है तो मतलब क्या होने वाला है? ये आवेश इस पदार्थ का गुण है, सिंपल सी बात है। तो आवेश आ गया तो आवेश को मैं कैसे परिभाषित करूँ? यहाँ पे आवेश है, क्या होगा? तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है, ये मेरा डिजिटल पेन है, ये स्थिर है और इस पर आवेश है, तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, जो हमें नजर नहीं आएगा। और यही आवेशित वस्तु अगर गतिशील अवस्था में होती है, गति करती है, तो विद्युत क्षेत्र तो है ही, विद्युत क्षेत्र कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन एक क्षेत्र और उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब सर एक जो आवेश होता है वो दो क्षेत्र उत्पन्न करता है, अगर वह स्थिर अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र, और अगर गतिशील अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। अरे तो भाई आवेश की परिभाषा सीधी सिंपल सी आ गई सर। आवेश किसी भी पदार्थ से संबद्ध वह गुण है, किसी भी पदार्थ से अगर उस पर आया है तो भाई इसका गुण है। आवेश किसी भी पदार्थ से संबद्ध या इससे संबंधित वह गुण है जिसके कारण यह विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। क्या उन्हें अनुभव भी कर सकता है? क्या बिल्कुल ही अनुभव भी कर सकता है? आप क्या करो, दूसरा कोई पदार्थ ले आओ और उस पर भी आवेश ले आओ, वो भी कोई दूसरा जो पदार्थ ना, वो भी आवेशित पदार्थ है, ये भी आवेशित पदार्थ है। जब ये आवेशित पदार्थ एक दूसरे के पास आएंगे ना, तो एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, सोचेंगे कि यार मेरे पास आवेश था, आगे यहाँ पे क्या आ गया जो मेरे पे बल लगा है। जैसे हम दो चुंबक को पास में लाते हैं तो या तो वो आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। क्यों करती है? क्योंकि सर एक चुंबक के क्षेत्र को दूसरा चुंबक के क्षेत्र प्रभावित करता है। सेम आपको ध्यान रखना है कि एक विद्युत क्षेत्र को दूसरा विद्युत क्षेत्र प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे आवेश की परिभाषा सिंपल सी है कि यहाँ पे हमने लिखा है आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इनका अनुभव करता है। बिल्कुल सर, उत्पन्न भी करेगा और उन्हें अनुभव भी करेगा। अगर उस वस्तु पे आवेश है तो, जब वस्तु पे आवेश ही नहीं है तो भाई क्या तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्या वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? सिंपल जी बात है, वस्तु पे आवेश होना चाहिए तो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों प्रभाव उत्पन्न भी करेगा और उन्हें अनुभव भी कर सकता है ये, जब आपके पास में कोई दूसरा आवेश होगा। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर, सिंपल सी चीज़ है, विद्युत आवेश की परिभाषा हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपने पास में नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे आवेश के मात्रक। अब देखो आवेश के मात्रक में सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जिसको हम बोलते हैं, वो होता है एसआई मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो देखो एसआई मात्रक क्या होता है, अगर हम एसआई मात्रक की बात करें तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। देखो धारा बराबर बच्चों क्या होता है? आवेश बटा समय। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो बताओ देखिए आवेश बराबर क्या आ गया यहाँ से? सर यहाँ से क्यू बराबर आ गया आई इंटू टी। और जब आपने देखा कि सर आई को तो हम बोलते हैं एम्पियर और समय का मात्रक क्या लेके चलते हैं? सेकेंड। 11th क्लास में पहला ही चैप्टर है मात्रक मापन एवं विमा, उसमें हम देखते हैं कि धारा भी एक मूल राशियों में से आती है, मूल भौतिक राशियों में है धारा, जिसका मूल मात्रक क्या है? एम्पियर। और अगर हम समय की बात करें तो समय भी एक मूल
भौतिक राशि के अंतर्गत ही आता है, जिसका मात्र क्या है, समय। तो ये हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ये आ गया हमारे पास में एम्पियर इंटू सेकेंड। और इसी एम्पियर इंटू सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, कुलाम। बच्चों ध्यान रखना, तो आवेश का ऐसा ही मात्र क्या हो गया, कुलाम, जिसका सिंबल है सी, जिसका सिंबल क्या है सी। वैसे तो मैंने ये ऐसा ही मात्रक, सी जी एस, अन्य मात्रक और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक ये नेक्स्ट स्लाइड पे दे रखे हैं। ऐसे तो मैंने यहीं से लिखना स्टार्ट कर दिया, तो मैं वहाँ से आपको समझाता हूँ कि सर आपने ये चीज़ बता दी कि ऐसा ही जो मात्रक है वो क्या हो गया हमारे पास में, कुलाम आ गया। ऐसा ही मात्रक क्या आ गया हमारे पास में, कुलाम आ गया। तो कुलाम कैसे है सर, आपने लिखा क्यू बराबर आई इंटू टी, सर ये तो हो गया एम्पियर में, और सर समय हो गया किसमें, सेकंड में। तो सिंबल भी बच्चों ध्यान रखना है, इसको ऐसे लिखेंगे हम ए इंटू एस, एम्पियर इंटू सेकंड। और इस एम्पियर इंटू सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, कुलाम। एम्पियर इंटू सेकंड को हम क्या बोलते हैं, कुलाम। और सिंबल इसका क्या होता है, सी। तो मुझे एक चीज़ बताओ, देखिए एक कुलाम बराबर क्या होना चाहिए सर, एक सेकेंड में अगर एक एम्पियर धारा बहती है तो उस चालक में प्रवाहित आवेश का मान कितना होगा, एक कुलाम होगा। तो एक कुलाम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, एक एम्पियर इंटू एक सेकेंड। ये सिंपल सा हम बोले तो सर कुलाम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड को हम कुलाम बोलते हैं। तो बच्चों बताओ देखिए ऐसा ही मात्र क्या आ गया, सर ऐसा ही मात्र या तो एम्पियर इंटू सेकेंड बोल दो या कुलाम बोल दो। सिंपल सा हमें ऐसा ही मात्र याद में रखना है, सिंपल है, बिल्कुल सर सिंपल है। आवेश का जो ऐसा ही मात्रक वो क्या होता है, कुलाम होता है। चलो दूसरे जो मात्रक हम बात कर लेते हैं, सीजीएस मात्रक। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये जो मात्रक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मात्रक है। देखो सीजीएस मात्रक को बच्चों दो कैटेगरी में बांटेंगे हम, दो कैटेगरी में क्यों बांटा गया है, अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो इसको तो हम बोलते हैं स्थिर विद्युत मात्रक। क्या बोलेंगे बच्चों, स्थिर विद्युत मात्रक, स्थिर विद्युत मात्रक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, ESU। क्या बोलेंगे, ESU। और दूसरा होता है अगर आवेश गतिशील अवस्था में होता है तो उसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। क्या बोलेंगे बच्चों, सर वहां बोलेंगे विद्युत चुंबकीय मात्रक, वो है स्थिर विद्युत मात्रक है, ये है विद्युत चुंबकीय मात्रक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट EMU। ये है ESU, ये है EMU। ESU लेंगे जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो हमारा जो CGS मात्रक है वो होता है स्थिर विद्युत मात्रक, और जब आवेश गतिशील अवस्था में होता है तो हमारे पास मात्रक होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक। अभी कहा था चुंबक कब उत्पन्न होगा, जब आवेश गतिशील अवस्था में होगा। केवल विद्युत क्षेत्र कब होगा, जब आवेश स्थिर अवस्था में होगा। तो समझ में आ गया सर, स्थिर विद्युत मात्रक है और विद्युत चुंबकीय मात्रक आवेश गतिशील अवस्था में है, बिल्कुल। तो जो ESU मात्रक है वो होता है हमारे पास में स्टेट कुलाम। याद रखना है बच्चों, आवेश का जो CGS मात्रक है, और CGS में भी कौन सा, स्थिर विद्युत मात्रक, वो तो होता है स्टेट कुलाम। और इसी का दूसरा नाम है फ्रैंकलिन, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन। और विद्युत चुंबक के मात्रक की बात करें तो ये होता है एब कुलाम। क्या बोलेंगे बच्चों, एब कुलाम। थोड़ा ये इंग्लिश वर्ड से आया इसलिए अपने को समझ नहीं आ रहा कि एब कुलाम कैसे लिख दिया, इसको लिखते हैं ए बी और इधर लिख देते हैं COULOMB। सर ये एब, इस एब का मतलब होता है एब्सोल्यूट, निरपेक्ष, किसी पर डिपेंड नहीं, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करता। एक होता है रिलेटिव आपेक्षिक और एक होता है निरपेक्ष। तो ये जो एब कुलाम है ना, ये इंग्लिश वर्ड से आया है एब्सोल्यूट कुलाम, मतलब एब कुलाम, लेकिन हमें तो एब कुलाम ही याद रखना है। तो सर ये तो हो गया एब कुलाम, विद्युत चुंबकीय मात्रक तो याद रखना है एब कुलाम, और स्थिर विद्युत मात्रक याद रखना है स्टेट कुलाम या फ्रैंकलिन। ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक बच्चों ध्यान रखना, आवेश का सबसे छोटा मात्रक ये हमारे पास में है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है या स्टेट कुलाम होता है, सबसे छोटा मात्रक। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक हो गया स्टेट कुलाम या फ्रैंकलिन। दो पॉइंट क्लियर है। अब इन सब के मध्य संबंध देख लेते हैं हम, सर कुलाम का संबंध इसके साथ बताओ, सर कुलाम का संबंध इसके साथ बताओ, भाई वो ऐसा ही मात्रक था, ये CGS मात्रक था, संबंध भी होना चाहिए ना, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, एक कुलाम में
तीन इंटू दस की पावर 9 स्टेट गुलाम होते हैं। स्टेट गुलाम को हमने क्या बोला था, ESU। पहला पॉइंट ये आप याद ही कर लेना कि एक गुलाम में इतने ESU होते हैं, एक गुलाम में 3 × 10⁻⁹ ESU होते हैं। और अगर मैं EMU और ESU की बात करता हूँ, इन दोनों में क्या संबंध है, फिर गुलाम में इसमें भी संबंध देखेंगे। अपन ने गुलाम में और ESU में संबंध देख लिया है, एक गुलाम में इतने ESU होते हैं, देखो कितने ESU मिलके एक गुलाम बनेगा, 3 × 10⁻⁹ ESU मिलके एक गुलाम बनेगा। इसका मतलब ESU तो बहुत छोटा है, एक ESU, दो ESU, तीन ESU, सर इतने ESU लाओ तब जाके एक गुलाम मिलेगा, तो ESU छोटा मात्रक है। दूसरी चीज, एक जो EMU होता है हमारा, मतलब एक गुलाम होता है, उसमें 3 × 10⁻¹० ESU होते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ये हमारे दोनों CGS मात्रकों में संबंध आ गया, ये SI मात्रक और ESU में संबंध आ गया। सर अभी एक चीज बाकी रह गई, गुलाम और एब गुलाम में संबंध बाकी है, उसको मैं यहीं से निकालने वाला हूँ। बच्चों ध्यान रखना, सर एक AMU को आप आगे ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो बच्चों क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 को यहाँ रख लेता हूँ और 3 × 10⁹ ESU को यहाँ लिख लेता हूँ। ऐसा कैसे लिखा पता है ना, ये 10⁻⁰ है, इसमें से एक 10 बाहर कर लिया, 10⁻⁹ यहाँ रख लिया, बिल्कुल सर आप ऐसा लिख सकते हो। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये तो आ गया 10, ये किसके बराबर है, 3 × 10⁹ ESU किसके बराबर है, सर 3 × 10⁹ ESU एक गुलाम के बराबर है। तो यहाँ एक गुलाम और एक को 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुलाम। तो बच्चों ध्यान रखना, एक जो EMU है या जो हमारा एक एब गुलाम है, उसके अंदर कितने गुलाम हो गए, सर एक EMU या फिर मैं हाँ EMU लिख देता हूँ, EMU या एब गुलाम में 10 गुलाम होते हैं। बच्चों अब देख लो आप, सर 10 गुलाम से मिलके एक EMU बनेगा। समझ में आ गया सबको, सर बिल्कुल सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, याद तो करना ही पड़ेगा आप अपने को, है ना। तो ऐसा ही मात्रक गुलाम हो गया, CGS मात्रक दो हो गए। सर अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो स्थिर विद्युत मात्रक, आवेश गतिशील अवस्था में है तो विद्युत चुंबकीय मात्रक। स्थिर अवस्था में तो सर जो आपने स्थिर विद्युत मात्रक बोला उसको हम स्टेट गुलाम या फ्रैंकलिन बोलते हैं, यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। अगर हम सर आवेश को गतिशील अवस्था में लेते हैं तो CGS मात्रक विद्युत चुंबकीय मात्रक कहलाता है, विद्युत चुंबकीय इकाई बोल दो, विद्युत चुंबकीय मात्रक बोल दो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, उसको बोलते हैं हम एब गुलाम। जो आपका EMU मात्रक या विद्युत चुंबकीय मात्रक को एब गुलाम, इन तीनों के मध्य संबंध देख लिया, SI मात्रक और दोनों CGS के मध्य संबंध देख लिया हमने। सर एक गुलाम में इतने ESU होते हैं और सर एक EMU में इतने ESU होते हैं और सर एक EMU में 10 गुलाम होते हैं। बताओ देखिए एक गुलाम में कितने EMU हुए, सर एक गुलाम में 1/10 EMU हो गए, यहाँ से दिख ही रहा है हमें, सर हमें यहाँ से नॉर्मली दिख ही रहा है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं कि सर एक गुलाम में 1/10 EMU होते हैं, एक गुलाम में 1/10 EMU होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, जो EMU और ESU इसका जो अनुपात है, देखो यहाँ पे एक EMU में एक ESU का भाग दो आप, एक EMU में एक ESU का भाग अगर हम देते हैं तो आंसर आ रहा है 3 × 10⁻¹। और बच्चों ध्यान रखना ये प्रकाश की चाल है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ होती है, बच्चों वो मीटर पर सेकेंड में होती है, यह सेंटीमीटर पर सेकेंड में, CGS मात्रक चल रहा है, इसीलिए यह भी चीज़ ध्यान रखना है, एक EMU और एक ESU का जो अनुपात है, बच्चों ध्यान रखना एक EMU का एक ESU के साथ जो अनुपात है वह C के बराबर होता है, और यहाँ जो प्रकाश की चाल है वो आपको लेनी है सेंटीमीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड में लेना है आपको। तो एक EMU और एक ESU का जो अनुपात है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, यहाँ C का मतलब है प्रकाश की चाल, यहाँ सी का मतलब क्या है प्रकाश की चाल, सर यहाँ सी का मतलब हो गया क्या प्रकाश की चाल के बराबर अनुपात होता है। ठीक ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। सर ऐसा ही मात्रक कर लिया, CGS मात्रक कर लिया, अब हम बात कर लेते हैं अन्य मात्रकों की। देखो अन्य मात्रक भी सर होते हैं क्या, हाँ छोटे मोटे मात्रक और ले लेते हैं जो अपने न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगे। अन्य मात्रकों में हम सबसे पहले बात करें तो मैं बात करूंगा मिली गुलाम की। मिली गुलाम के लिए सिंबल बच्चों याद कर लो, स्मॉल एम याद रखना है आपको,
स्मॉल एम, इसको हम बोलते हैं मिली, और ये हो गया आपका गुलाम, मिली गुलाम। तो सर एक मिली गुलाम में कितने गुलाम होते हैं? एक मिली गुलाम है बच्चों, ध्यान रखना, 10^-3 गुलाम। मिली जो होता है ना वो किसी भी चीज का हजारवां भाग होता है, जैसे एक मिलीग्राम, सर एक ग्राम का हजारवां भाग, एक मिली एम्पियर, एक एम्पियर का हजारवां भाग। तो एक गुलाम का जो हजारवां भाग है वो मिली गुलाम हो गया, ठीक है। जैसे कि एक ग्राम जो होता है ना वो एक किलो का हजारवां भाग होता है, तो वो भी देखा जाए तो वो मिली किलोग्राम बोलना चाहिए अपने को, लेकिन ऐसा बोलते नहीं, केवल ग्राम ही बोलते हैं। तो सर एक मिली गुलाम बराबर, मिली में स्मॉल एम आएगा, ये गलती नहीं करनी। तो एक मिली गुलाम में 10^-3 गुलाम होते हैं। तो जब भी अपने को न्यूमेरिकल में मिली देगा ना, उसको हमें कन्वर्ट करना है गुलाम में, ऐसे मात्रा में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया मेरे पास में 20 मिली गुलाम आवेश है, तो मैं उस 20 को 10^-3 से गुणा करूंगा, क्योंकि एक मिली गुलाम इतने गुलाम के, तो 20 मिली गुलाम कितने गुलाम के, सर गुणा करो, बिल्कुल सिंपल सा। दूसरा जो है वो है माइक्रो गुलाम, म्यू। ये सिंबल बच्चों ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, इस सिंबल को हम बोलते हैं क्या, म्यू, ठीक है ना। इस तरह से यू बनाना है और दोनों तरफ नीचे की तरफ ऐसे बनाना है, मतलब यू तो आपने बना दिया, फिर इस तरफ भी ऐसे बनाना है, इसको बोलते हैं म्यू। और इस म्यू को, ये सिंबल है ग्रीक सिंबल है, ठीक है ना, ग्रीक संकेत है ये। तो म्यू ये हो गया आपका माइक्रो गुलाम, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो, ये हो गया सर माइक्रो गुलाम। और एक माइक्रो गुलाम जो होता है, देखो बच्चों, अब एक जो माइक्रो गुलाम है, एक मिली गुलाम का फिर हजारों भाग हो गया, एक मिली गुलाम का फिर हजारों भाग हो गया, तो इसका मतलब एक गुलाम का कितना हो गया, सर एक गुलाम का 10^6 गुना कम हो गया, मतलब 10^-6 गुलाम। ये देखो 10^-3 था, 10^-3 फिर लिख दिया, तो एक माइक्रो गुलाम है बच्चों, ध्यान रखना 10^-6 गुलाम होते हैं। तीसरा अगर पॉइंट लूं तो नैनो गुलाम, नैनो के लिए स्मॉल एन लिखना है, तो सर ये आप लिख दो यहाँ पे क्या, नैनो गुलाम। सिंबल याद रखनी है बच्चों, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में हमें काम आएंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ बहुत काम में आने वाले हैं। और एक नैनो गुलाम है बच्चों ध्यान रखना, एक नैनो गुलाम में 10^-9 गुलाम होते हैं, एक नैनो गुलाम में 10^-9 गुलाम होते हैं, ठीक है सर, हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं डी पॉइंट की बात करूँ तो फिर आता है हमारे पास में पीको गुलाम, इसको हम बोलते हैं क्या, पीको गुलाम। ये प्रीफिक्स है जो फिक्स आपको याद रखने पड़ते हैं, ये सब जगह काम में आते हैं, स्मॉल एम, म्यू, स्मॉल एन, पी, ये सब जगह काम में आएगा जब आप दूरियां वगैरह मापोगे। तो सर एक पीको गुलाम में हमारे पास में होता है 10^-12 गुलाम। बच्चों ध्यान रखना, बस यही आपको मेन याद रखने, अन्य मात्रकों के सर मिली गुलाम, माइक्रो गुलाम, नैनो गुलाम, पीको गुलाम न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। बिल्कुल समझ में आ गया, एक मिली गुलाम में 10^-3 गुलाम होता है, एक माइक्रो गुलाम में 10^-6 गुलाम होता है, एक नैनो गुलाम में 10^-9 गुलाम होता है, एक पीको गुलाम में 10^-12 गुलाम होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो लास्ट एक पॉइंट और रह गया सर, कोई और भी कुछ बचा कुछ मात्रक रह गया क्या? बिल्कुल सर, अभी आवेश का बड़ा मात्रक रह गया, छोटा मात्रक तो हमने वहाँ बता दिया, गुलाम की तुलना अगर गुलाम के बारे में देखे तो सर वहाँ आपने सीजीएस मात्रक में स्टेट गुलाम या फ्रैंकलिन को सबसे छोटा मात्रक बोला था, तो सबसे बड़ा मात्रक क्या है? सबसे बड़ा मात्रक है फेराडे। तो चलो हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। देखो बच्चों लास्ट और फाइनल पॉइंट है अपना आवेश से संबंधित, ठीक है ना, आज के मतलब जो मात्रकों से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है बच्चों वो है क्या सर? वो है फेराडे। फेराडे के विद्युत चुंबकीय परिणाम चैप्टर नंबर जो हमारा 5th है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फेराडे ने विद्युत चुंबकीय परिणाम के नियम दिए थे, वही फेराडे जो केमिस्ट्री में भी आया था। तो फेराडे का सबसे पहले सिंबल याद रखना है अपने को एफ। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है सर। जब आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है तो कितने गुलाम से मिले के बनेगा ये? तो बच्चों ध्यान रखना, एक फेराडे में 96,500 गुलाम होते हैं, बस खत्म, हमें ये याद रखना है। एक फेराडे में
96,500 गुलाम्स होते हैं, इतने गुलाम से मिलके एक फैराडे बनेगा आपका। ठीक है बच्चों, फिजिक्स को बेसिक से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11 12th IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।